नमस्कार, मैं हूं आकाश त्यागी और आज हम बिजनौर में आए हुए हैं। बिजनौर को विदुर कुटी माना जाता है और ये महात्मा विदुर जी की कुटी है और इनसे चर्चा करेंगे कि 2022 में ये किसको अपना मुख्यमंत्री के रूप में चुनना चाहेंगे और क्यों चुनना चाहेंगे। भैया आप बताइए, 22 में किसकी सरकार को देख रहे हैं आप? बीजेपी। बीजेपी बीजेपी क्यों देख रहे हैं? बीजेपी क्योंकि बीजेपी ने बहुत काम किए। आधा पंजाब किसान आंदोलन में बैठा है, यूपी बैठा है। तो देखो, पंजाब तो है, वो किसी मुद्दे से नहीं है। उन्हें डाउट है कि मोदी सरकार कुछ करना दे पंजाब में, इस वजह से वो बैठे हैं वहाँ। मतलब कैसा डर, मोदी क्या कर देगा पंजाब में, ये बताइए। काफी डर है मन में। आप कितनी बार गए किसान आंदोलन? मैं एक बार भी नहीं गया। क्यों नहीं गए? जब मुद्दा ही नहीं है कुछ। मुद्दा तो है कि जमीनें बिक जाएंगी, किसानों की छीन जाएगी, मिले कुछ। ऐसा कुछ नहीं है, वो लोगों का एक बहम है, ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी किन मुद्दों पे आएंगे? बेरोजगारी का आलम बहुत है, महंगाई बहुत है। ये महंगाई तो देखो है, बेरोजगारी तो पर आपसे भैया बेरोजगारी का तो आलम ऐसे कह रहे हो जैसे अखिलेश सरकार में। मैं खुद अब सरकारी नौकरी पे था, ये भैया की सरकारी नौकरी बीजेपी वालों ने छीन ली। ये खुद भैया हमारा उसमें था बीएसएफ में, अखिलेश सरकार में सारी सरकारी नौकरी पे पल लेते हम तो। अब तो बीजेपी नहीं छीनी, अब पहले ना थी बेरोजगारी। ये बताओ, कांग्रेस की सरकार में खुद सारे सबके सब बेरोजगार थे, अखिलेश की सरकार में खुद बेरोजगार थे। अब बीजेपी जब से गवर्नमेंट आई है तब से बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। जैसे इनकी सरकार में हम सारे के सारे कानूनी उस पर सरकारी नौकरी पे थे और बीजेपी वालों ने आकर हमारी नौकरी छीन ली। इनसे ये तो पूछो कि भैया पहले क्यों ना दी इन्होंने सरकारी नौकरी, पहले भी तो थी ये सारी योजनाएं, तब क्यों लागू नहीं करी? वो तो कह रहे हैं कि हमने तो बहुत नौकरियां दी हैं। किसे दिए हैं? किसे दिए हैं? जनता को दिए। सारे जातिवाद को नौकरी दी है। इनका तो पूरा परिवार जितना है यादवों का, उनको नौकरी दी है। यादवों के सरकार में सारे यादव ही नेता बन गए। किसी एक भी अलग अदर कास्ट का कोई भी इंसान को किसी नौकरी या किसी पद पे या कहीं कुछ करा इन्होंने आगे? किसी को नहीं करा। तो अखिलेश तो अभी ये कह रहे हैं कि सारे थानों में ठाकुर बैठा रखे हैं योगी ने, क्यों यादव बिठा देते थे, बात तो सेम ही हो गई। एक बताओ, सारे थानों में अगर बात कर रहे हो तो आपके जहां हम गंज में यहां पे खड़े हैं वहीं के थाने में जो थानेदार बैठे हैं जो हिमपुर दीपक के हैं, उनसे जाके पूछो, उनका नाम पूछो, कौन है, कौन कास्ट के हैं बताओ। मुस्लिम है ना, तो फिर इस बात का कहां, वो तो खुद ही प्रमाण है। अच्छा, अखिलेश यादव ने कल अपने एक भाषण में ये कहा था कि योगी आदित्यनाथ को लैपटॉप चलाना नहीं आता तो देश कैसे चलाएंगे, कैसे आप देखते हैं कि देश प्रदेश को चला सकेंगे योगी? जो इंसान खुद टोटी चोर हो सकता है, जिसको टोटी चुराने के अलावा कुछ नहीं पता, तो वो लैपटॉप के बारे में क्या जानकारी देगा किसी के बारे में, ये बताओ, है नहीं है। तो खुद आदमी इस तरीके से नीचे इस तरह से ही खुद गिरा हुआ है, तो वो सामने वाले को उसी इस तरह से ही गिरवाने की कोशिश करता। दावा ठोक रहे हैं, ऐलान कर चुके हैं यूपी में अखिलेश की इस बार 400 सीट लाएंगे और बीजेपी का सुपड़ा साफ। ना जी, 4 सीट आ जाए इनकी फिर वही बात है, 400 तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, 4 भी ना आने की जी इनकी। किसान आंदोलन चल रहा है इतने टाइम से, क्या किसान प्रभावित तो नहीं होगा बीजेपी? देखो जी, रही बात उनकी जो डकैत है, मैं तो टिकैत कहता नहीं, वो तो डकैत ही है, ठीक है, जिनका जिन्होंने किसानों को भड़का रखा, उनका तो यही आंदोलन चला रखा कि ना खुद चैन से रहेंगे ना दूसरों को चैन से जीन देंगे। इनका तो भैया ऊपर से फंडिंग आती है, ये कहीं टेंट टम्बू लगा के अपना खुद तो एसी में सोते हैं और बेचारे किसानों को गर्मी में डाल रखा। कभी एक भी ये देख लो, कोई सच्चा किसान कभी धरने पे नहीं बैठा होने का, सिर्फ वही इंसान बैठा होगा जिसको ये नोट दे के या भीड़ इकट्ठी करने वाले काम है इनके। और खालसा वाले कौन है, वहाँ पे सारे आतंकवादी सब डाल रखे थे इन्होंने, तो ये किसान थोड़ी ना कर रहे हैं, इन्होंने तो भड़का रखा है किसान। किसानों की जमीनें हड़पी जाएंगी, जब मोदी हड़प लेगा तो क्या किसान वहां बैठेंगे? नहीं, एक भी किसान से कहलवा दो कि हमारी जमीनें हड़ गई, किसी की नहीं हड़पी गई जमीन, नहीं, ये सिर्फ जो है भ्रम फैलाने वाली बात है और इस चीज की तो कहीं कोई हर लो आदमी निंदा करता। किसान भी परेशान है महंगाई की मार। नहीं देखो, किसान परेशान है अपनी वजह से, क्योंकि जो इन्होंने बिल पास किया वो किसानों की भलाई के लिए ही है, लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे हैं, जो बाहर के जो अदर पार्टी है वो उनको भड़का रही है और ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को, लेकिन वो उनके भविष्य में उनके भले के लिए ही है ये चीजें सब। जब मैं किसान मना कर रहे हैं कि हमें बिल मत दो तो क्यों थोपा जा रहा है? वो थोप नहीं रहे हैं क्योंकि अब किसानों को तो ये जो अदर्स पार्टियां वो कर रही है ना, ये जो किसान है वो तो अपने घर में किसानों को इतना टाइम ही नहीं है कि वो वहाँ जाके अपना टाइम खराब करें, वो तो अपने घर पर काम कर रहे हैं और वहाँ तो फालतू के लोग ही बैठे हुए हैं। मैम, कल सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई है कि इतने दिनों तक कोई आंदोलन नहीं चल सकता, इसे आप कैसे देखती हैं, इसका समर्थन करती हैं या नहीं करती हैं? नहीं, आंदोलन तो जब इलेक्शन अब आने वाले हैं तो आंदोलन चलने भी नहीं चाहिए, और इतने लंबे लंबे जो आंदोलन चल रहे हैं
वो हमारे जो देश की सरकार है केवल उनकी भलमनसाहत है कि वो इन सबको जेल रहे हैं वो ये सब चीजें। अच्छा सुरक्षा, आप एक महिला हैं, ये बताइए सुरक्षा की क्या व्यवस्था है प्रदेश के अंदर? नहीं सुरक्षा तो देखिए आप इससे पहले का आप ग्राफ उठा के देखिए महिलाओं के साथ कितना दुर्व्यवहार था। हम लोग खुद महिलाएं हैं, हम ये देखते थे कि हम लोग जब बाहर जाते थे हम लोग खुद सेफ महसूस नहीं करते थे अपने को, लेकिन आज महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं और कहीं भी आ जा सकती हैं। और आप ये देखिए कि पहले जो घटनाएं घटती थी आज वो बहुत कम हो गई हैं। लेकिन मैम आपको नहीं लगता कि महंगाई है? महंगाई तो अब एक बात सुनिए, कोरोना काल में सबके वैक्सीन लगी, वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने और योगी जी ने फ्री वैक्सीन लगवाई सबके। यदि ये वैक्सीन पैसों में होती और सरकार होती तो ये सब पैसे में लगती और अमीर लोगों के ही लगती, लेकिन कोई ये चीज़ नहीं देखता है कि हमारी सरकार फ्री में ये सब काम करवा रही है। मैम राकेश टिकैत का एक बयान आया है अभी, वो खुद को किसान नेता बताते हैं, एक बयान आया है कि हमने सबको हम पीट चुके जो लाल किले पे भी जो भी उन्होंने किया वो सारे देश ने देखा, उनका एक बयान आया है कि अगला टारगेट अगली पिटाई मीडिया की होगी, इसे कैसे आप क्या? नहीं ये तो देखो अब आप इसी बात से खुद ही समझ जाओ कि वो लोग कैसी अपनी सोच रखते हैं कि वो मीडिया की भी इज्जत नहीं कर रहे, और मीडिया तो जबकि हमारे देश को सच को आईना दिखाने वाली ही होती है, यदि वो ऐसा बोल रहे हैं तो समझो वो खुद कितने गंदे और गिरे हुए इंसान है, इससे आपको पता चल जाना चाहिए। क्या नाम होगा भाई आपका? भाई योगी जी। योगी नाम है आपका? नहीं मेरा नाम कुश गुज्जर। गुज्जर, कुश गुज्जर है आप? जी जी। तो किसको देखते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? योगी जी को। योगी जी को। योगी क्यों? भ्रष्टाचार खत्म है और सारे जितने भी पशुओं की चोरी और जो दंगे थे ये सारे बंद हो गए, ये समझिए सारे जितने भी गुंडा राज था सब खत्म है। सब खत्म है। हाँ सारे बदमाश जेल में जमा हो गए, सब अपने आप कह रहे हैं बाहर नहीं जा रहे हम क्योंकि एनकाउंटर हो रहे हैं बाहर। और कुछ अखिलेश तो कह रहे हैं कि योगी की सरकार में ज्यादा गुंडागर्दी है। अखिलेश जी से उनके समय में देखो कितनी गुंडागर्दी थी। हाँ। अखिलेश जी से पूछो जाके कि उनके समय में कितनी थी भाई। आप बताइए, आप बता रहे हैं कि अब सुरक्षित ज्यादा है हमारे पशुओं के, हमारे गांव में जो है अंदर आदमी सो रहा और आगे से पशु गए उसकी सरकार में, अखिलेश जी की सरकार में। पुलिस में नहीं जाते थे? पुलिस में जाते थे, कोई सुनता ही नहीं था कि पशु चला गया, अब कहाँ से ढूंढने उसे। कोई उस पर माथे पे प्लेट लग रही कि भाई उसे ढूंढ ले। और जो आज तुम्हारी भैंस खुल गई तो पुलिस फिर से यही बोल देगी? अब भैंस खुली नहीं रही, खुली नहीं रही, अब तो खुली बंद हो गई। अब तो खुली नहीं रही भाई। अच्छा अखिलेश कह रहे हैं कि जो जैसे मुख्तार अंसारी या आतिक अहमद है इनसे इन पे कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि सपा के आदमी थे और मुसलमान है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, उनमें थोड़ी बहुत कमी होगी तभी कार्रवाई हो रही है, ऐसे कैसे कार्रवाई कर देगा कोई भी। आप क्या काम करते हैं? आप क्या काम करते हैं? मैं युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष। अच्छा पापा क्या करते हैं आपके? किसान है। पापा जी किसान है। किसान है। तो किसान आंदोलन में कितनी बार गए आपके पापा? एक भी बार ना गए। क्यों नहीं गए? किसान जा ही ना रहे, दलाल जा रहे हैं सारे। दलाल? हाँ। तो मतलब आप उन लोगों को किसान नहीं मानते? हम नहीं मानते भाई उन्हें। योगी सरकार इसलिए आएगी 2017 से जब से भाजपा सरकार बनी है, आज 2021 चल रहा है, अभी तक कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। मनीष गुप्ता की हत्या हुई है परसों, मर्डर मनीष गुप्ता की हत्या हुई होगी जरूर। अब देखो छुटपुट घटना तो होती रहती है, 100 में 100% तो कोई भी सरकार नहीं दे सकती, भगवान भी 100 में 100% खुश नहीं कर सकता, तो छुटपुट तो घटना चलती रहती है। राकेश टिकैत जैसे आंदोलन पर बैठे हैं तो कितना प्रभावित करेंगे आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में कोई प्रभावित नहीं होने का, सब जनता समझ रही है, सबको पता है, किसान जो है ना किसान वो तो वहाँ जा भी नहीं रहे। अभी इनका भारत बंद आंदोलन कर रहा था इन्होंने, कितना भारत बंद आंदोलन हुआ इनका सफल? किसी मोर्चे पर 10 आदमी बैठे थे, किसी पर 15 आदमी बैठे थे इनके, बताओ कहाँ से सफल हुआ। राकेश टिकैत की बात चल रही है, एक बात और मैं आपसे पूछता हूँ कि राकेश टिकैत का परसों ये भाषण ये आया था कि हमने लाल किले पे जो हुआ 26 तारीख को जनवरी को वो सब ने पूरे देश ने देख लिया, ठीक है। उसके बाद इनका परसों एक बयान आता है कि अगला टारगेट मीडिया होगा, अगली पिटाई मीडिया वालों की होगी, इसे कैसे, इसके बारे में क्या कहना? इसके बारे में ये कहना है, मैं राकेश टिकैत नहीं, राकेश डकैत है नंबर एक बात। और वो मीडिया हमारे चौथा स्तंभ है, समझे नहीं? अगर इस पर आघात करेगा ना राकेश टिकैत, तो उसका खुद ही सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। हाँ। अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि ज्यादा दिन तक हाईवे को ब्लॉक नहीं कर सकते, तो वो वहाँ से उखाड़ने की बात है, मतलब जो आंदोलन है इसे कैसे समर्थन करोगे, इसका नहीं करोगे? हम आंदोलन का नहीं, आंदोलन खत्म करने के लिए बोल रहे हैं। कहाँ समर्थन है हमारा? समर्थन हाँ, हम तो समर्थन करेंगे, आंदोलन खत्म हो, जनजीवन जो अस्त व्यस्त कर रखा है इन्होंने लोगों का, वो अपना पटरी पर लौटे। जैसे जयंत चौधरी अखिलेश के साथ वो करेंगे अपना, ठीक है, गठबंधन करेंगे और भी छोटे से उधर हैं, तो क्या भाजपा के लिए कठिनाई नहीं होगी? पिछली बार भी हुआ था गठबंधन, तो पिछली बार भी हुआ था, सपा का था, रालोद का था, बसपा का था, क्या निष्कर्ष निकला? कुछ भी ना निकला, पब्लिक समझदार हो चुकी है अब। अच्छा
अब पहले वाली पब्लिक नहीं रही ना, पहले अनपढ़ थे, कुछ पता नहीं था, मीडिया नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, अब तो हर व्यक्ति के हाथ में सिस्टम है सारा, सब देख रहा है वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा भैया, क्या आपको महंगाई नहीं लगती कि हाँ भाजपा में महंगाई है? हाँ, महंगाई का मुद्दा लिया ना आपने, यह प्रश्न सबसे बढ़िया। 2014 में पेट्रोल 84 रुपए कुछ लीटर था, 2014 में 7 साल पहले, आज कितना 98 रुपए, तो यानी कि 7 साल में 16 रुपए बढ़े हैं। 2003 में पेट्रोल 30 रुपए था, और जब 2012 में सॉरी 13 में सरकार हटी कांग्रेस की 14 में, तो 54 रुपए बढ़ाए कांग्रेस ने 10 साल में, भाजपा ने तो 7 साल में कुल 16 रुपए बढ़ाए, तो कहाँ से महंगाई हो गई? इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं बढ़िया, उनमें सवारी चलेंगी तो उनका मेंटेनेंस भी कम होगा, समझे ना, एवरेज भी बढ़िया देंगी, अगर एक तरफ को 10 रुपए बढ़ाए तो दूसरे को बच भी तो रहे तुम्हारे, तो सोच का फर्क है, महंगाई कोई नहीं है। तो योगी बाबा आएंगे? बिल्कुल आएंगे, 1001% आएंगे। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके अब्बा जान और चाचा जान करके आ, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके नहीं, अपने विकास की राजनीति करके आएंगे, विकास की राजनीति। अखिलेश तो खुद को कह रहे हैं विकास पुरुष के, हमने किया है विकास पुरुष, योगी ने क्या किया है, सिर मेरा फीता काट रहा है। ये सब सरकारों का आपस में एक दूसरे पर आक्षेप रहता है, इस तरह से कुछ नहीं है, सबको पता अखिलेश ने किन किन का भला करा, यादव का भला करा, उन्हें मुसलमानों का भला करा, उसके अलावा मंदिरों पर से लाउड स्पीकर उतरवाया उसने, 84 कोस परिक्रमा पर रोक लगवाई थी अखिलेश ने, ये काम अखिलेश सरकार में हुए। लेकिन मैं मतलब वो तो लगातार जो है योगी जी पे दावा करते हैं कि मतलब योगी सरकार में गुंडागर्दी जाता है, जो वो जो औरतों पे अत्याचार है उसकी दर अब बढ़ी है। वो अपने ही परिवार को लाते हैं, हमारे योगी जी या मोदी जी कोई परिवार या संगठन ऐसा नहीं करते हैं कि वो अपने परिवार के लिए करें, वो लोग अपने परिवार को करते हैं सब कुछ, परिवार के लिए। हाँ, और मैम बीजेपी जो है संगठन ऐसा है वो जनता के लिए करती है, गरीब जनता को आगे बढ़ाती है, हर गरीब की सुनती है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ बनियों की सुनी जाती है, जो सामान्य वर्ग उसकी सुनी जाती है, गरीबों की नहीं सुनी, ऐसा कुछ नहीं है, हर कास्ट का आदमी भारतीय जनता पार्टी में काम करता है, हर कास्ट का आदमी बूथ अध्यक्ष है, हर कास्ट का आदमी जिला अध्यक्ष है, हर जाति का है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। लेकिन मैम आपको नहीं, भाजपा सरकार, लेकिन मैम आपको नहीं लगता कि आप एक महिला भी हैं कि घर का गैस सिलेंडर महंगा है या पेट्रोल महंगा है किसान के लिए? उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपनी सुरक्षा चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा भाजपा में ही मिलती है।